गाइस हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं आपका फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। सो आप सभी के फ्रेंड एक बार फिर से हाजिर एक नई अपडेट लेकर। रानी रामपाल को पद्मश्री के लिए चुने जाने पर ऋतिक रोशन ने कही बड़ी बात। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह खेल की श्रेणी में 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, जिसके लिए सुपर 30 के अभिनेता ऋतिक रोशन ने उन्हें उपलब्धियों के लिए बधाई देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। जैसे कि ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में 20 साल पूरे किए हैं और सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित होने पर बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भारत को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर में रिप्रेजेंट करने के लिए और अब पद्मश्री मिलने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। आगे उन्होंने लिखा है कि आप एक फाइटर हैं और हजारों लोगों को प्रेरणा देती हैं। वैसे आप लोगों को बता दें कि रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी प्लेयर है। 15 साल की उम्र में वो नेशनल टीम का हिस्सा बनी और इस टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी वही थी। उन्होंने अब तक 212 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है और 134 गेम्स किए हैं। फिलहाल वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं। इस तरीके से ऋतिक रोशन ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को काफी ज्यादा बधाइयां दी। वेल दोस्तों, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। today.com पर भी हमारे न्यूज को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट अनदर अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टुडेज न्यूज।